हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और देख सकते हैं आप लोग को नया लोकेशन दिख रहा होगा रूम का, मेरे लोकेशन कैसा है। तो ये है, हम लोग रूम रेंट रूम में शिफ्ट हुए हैं, तो उसी का ये व्यूज है। बहुत छोटा सा रूम है, बहुत बड़ा नहीं है, वो एकदम छोटा सा है। रूम है, रूम में ही किचन है और बगल में बाथरूम है और लेटरिन तो बहुत ही दूर है। खैर जो भी कुछ है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आया। बहुत दिक्कत हो रही है इसमें, हर एक चीज़ को एडजस्ट करने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये अब मैं सुबह में पहुंची थी, तो अगर पिछला व्लॉग आपने देखा होगा तो शायद पता होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं सारे बोरे को खोल के सारा सामान जो है इकट्ठा, हम लोग घर से लेके जो आए थे, 2-3 दिन पहले ही सामान आ गया था। तो आज हम लोग आए हैं, तो जैसे आए उसके कल उसी दिन में दोपहर के बाद, सुबह में तो आई, उसके बाद तो बिल्कुल मूड ही ख़राब था। कुछ दिख ही नहीं रहा था कि क्या करे नहीं करे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने मन को समझाया कि फ़िलहाल जो हो है तो उसी में खुश रहना पड़ेगा। और क्योंकि तुरंत से कुछ भी नहीं होता है, अगर रूम ही दूसरा लेना हो तो तुरंत से ही नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो ले आ गया है तो उसी में एडजस्ट हो तो फ़िलहाल करना ही पड़ेगा। तो और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी कि मुझे ना थैंक्स का, यूट्यूब पे जो एक थैंक्स का बटन होता है वो मुझे मिला है, जिससे कि अगर कोई मुझे मदद करना चाहता है तो प्लीज़ मदद कर सकते हैं इससे। प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है और नहीं कोई ये है, लेकिन अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे थैंक्स के बटन पे क्लिक करके वहाँ से आप मुझे मदद कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मूड मैंने अपने आप को मूड को थोड़ा ठीक किया, क्योंकि जो है तो वही है, बस अब इसी में फ़िलहाल एडजस्ट करें। तो मैंने अभी फ़िलहाल बर्तन सारे निकाल रहे हैं, काफ़ी सारा बर्तन था। मैं अलग से रूम किचन के हिसाब से सेट करके लेके आई थी, इतनी हमारी ज़रूरत ही है, एकदम दो बर्तन के साथ तो हम कहीं एडजस्ट नहीं हो सकते ना। तो वही है, और ये काफ़ी सारा सामान मैं लाई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का किचन है। और क्योंकि मुझे लगा था कि रूम किचन अलग से है, रूम अलग से है, तो उस हिसाब से किचन थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन ये रूम ही है और उसी में बस एक देख सकते हैं छोटा सा स्लैब बना दिया गया है और इसी को किचन बनाया गया है। तो यही है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशानी से सब हो रहा है, कर रही हूँ मैं। तो पेपर नहीं था, हम न्यूज़पेपर लेके घर से नहीं आए थे, तो हमने यहाँ पे मकान मालिक जो है उन्हीं से मांगे थे, और खाना हम लोग लेके आए थे घर से ही। तो खाना सुबह में मैं उठ के बना के लाई थी, 4 बजे उठी थी, तो ही सब्जी थी जो उसको भिंडी की, उसको मैंने रख दी। हम लोग ने खा लिए थे, दूसरी बार के लिए थोड़ा सा बच गया है, तो हमने कहा कि अगर भूख लगेगी दोपहर में तो खा लेंगे। तो ये देखिए फ़िलहाल जैसे तैसे ये एडजस्ट हो गया है, और अभी पूरा एडजस्ट नहीं हुआ है, काम के ज़रूरत के हिसाब से फ़िलहाल थोड़े बहुत सामान एडजस्ट हमने कर दिए हैं। और उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे हम हस्बैंड ने फलूदा लेके आए थे, तो वही मैं फलूदा खा रही हूँ। तो फ़िलहाल ये मॉर्निंग का ब्लॉग है, रात में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले हम तो रात में मार्केट गए, कुछ सामान लाए, और उसके बाद ऐसे खिचड़ी और चोखा पापड़ हम लोग बना के खाए थे। और ये सुबह का ब्लॉग है, तो अभी बन रहा है भोजन। एक तरफ बना रही हूँ मैं सब्जी और रोटी, कुंदरी की सब्जी बना रही हूँ, दाल बन गई है, तो कुंदरू जो होता है उसी का भुजिया है, भुजिया बहुत अच्छी बनती है कुंदरू की, तो घर से ही लेके हम आए थे। अभी खेतों में पहला ही दिन हुआ था, सब्जी ये हुई थी तो हम लोग लेके आए। तो एक तरफ सब्जी बन रही है और दाल बन चुके हैं और रोटी अब बना रही हूँ, और उसके बाद बस अब नहा के धो के और खाने पीने की तैयारी करनी है। तो यही है आज का बिजी शेड्यूल, आप लोग को ने देखा ही कैसा लगा है आप लोग बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट करते रहा कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आज बन रही है फर्स्ट दिन, रोटी सब्जी ये सब बन रही है, समझो रात में तो हम लोगों ने बस जैसे तैसे बना के खा ली क्योंकि थक बहुत ही ज़्यादा गए थे। तो चाहे तो हम लोग बाहर से खा लेते लेकिन हस्बैंड की पेट थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, उनको गैस ही हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि खिचड़ी ही खा लेते हैं तो ठीक रहेगा, नहीं तो मार्केट का तो फिर और दिक्कत हो जाती। तो यही है, अब हम लोग नहा धो के थोड़ा खाना खाएंगे, उसके बाद लेट जाएंगे। सो यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं।